सो देखिएगा, जैसे कि ये मेरा फेसबुक का एक पेज है, तो जैसे कि मैं ये स्टार्स वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना मोनेटाइजेशन के लिए, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अगर आपको भाई स्टार्स का ऑप्शन चाहिए अपने फेसबुक पेज पे, तो उसकी कोई क्राइटेरिया रहता है, चार क्राइटेरिया रहते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पर अपन आज सबके बारे में बात नहीं करने वाले, अपन सभी एक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। ये जो प्रॉब्लम है भाई आज के टाइम पे बहुत सारे लोग को फेसबुक पे देखने को मिल रही है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा भाई, पर कोई ना ढंग से क्लियरली नहीं बता पा रहा है कि जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी की दिक्कत आ रही है ना, ये क्यों आ रही है, ये कैसे सॉल्व होगी और कब तक सॉल्व होगी। तो जितने भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको सब कुछ आज वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ रही है ना, ये दिक्कत अभी के टाइम में एक आध हफ्ते से लोग को बहुत आ रही है, इससे पहले कोई को ये दिक्कत नहीं आती थी। तो अगर इसका शॉर्ट में बताऊँ तो शॉर्ट में इतना कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो वायलेशन लोग को लगता है, वो ज़्यादातर उन्हें लगता है जिनका ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहता, दूसरे का कंटेंट वो अपलोड करते हैं। पर सिर्फ वही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर, पर जो मेजर पार्ट है वो कवर करता है अनओरिजिनल कंटेंट वाला, मतलब कि आप किसी और का कंटेंट अपने अकाउंट में अपलोड कर रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खुद का कंटेंट डालता हूँ, मेरा बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, मैंने आज तक कोई भी दूसरे का कंटेंट नहीं डाला, फिर भी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको पूरी पॉलिसीज बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है फेसबुक की। अगर आपने भाई इंस्टाग्राम की देखी हुई है ऑलरेडी, अगर मेरी वीडियो देखी है, अगर कोई सी वीडियो देखी है, तो सेम टू सेम वही है भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, एक आध दो पॉइंट अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी पता तो फिर भी आप एक बार सुन लो, अपन एक बार इसे रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको फेसबुक की सभी टर्म्स को और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर भी वीडियोज़ बनाऊँ तो उस पर बना सकता हूँ, वो सिंपली कमेंट करके बता देना है। और साथ ही पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ हो गई, इन सबको भी आपने को फॉलो करते चलना। पर अपन अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स में आ रहा है सबसे पहले स्टैटिक वीडियोस। अब ये कौन सी वीडियो होती है, स्टैटिक वीडियो मतलब कि ऐसी कोई वीडियो जिसमें कोई मोशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने एक फोटो अपलोड करी, फोटो ना ही मूव हो रही है ना कुछ हो रहा है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है और सिंपली आपने अपलोड कर ली। लोग क्या करते हैं, फोटो ली उसमें सॉन्ग लगाया और अपलोड कर देते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगला आ रहा है स्टैटिक इमेज पोज, मतलब कि आपने क्या करा, आपने अपनी फोटो वगैरह में कोई दो पोल वगैरह लगा दी, येस और नो का, वो इतना हो गया, तो ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगला आ रहा है स्लाइड शो ऑफ इमेजेस, मतलब आपने तीन चार फोटोज़ को कंबाइन करके उसका स्लाइड शो बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लूपिंग वीडियोस मतलब कि वही, मान लो आपने एक सेकंड की वीडियो ली, उसे 10 बार चला के उसे 10 सेकंड का बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट मोंटेजेस मतलब कि आपने का जो कंटेंट है ना उसमें एक टेक्स्ट वगैरह, ये ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ होता है और बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और वो टेक्स्ट वगैरह थोड़ा बहुत मूव होता है या फिर उसमें टेक्स्ट वगैरह आते हैं, पर ज़्यादा कुछ में हार्ड वर्क नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला आ रहा है एम्बेडेड एड्स। अब ये क्या होता है, देखो फेसबुक खुद ही बहुत सारे ऐड चलाता है, पर अगर आपके कंटेंट में ही खुद ऐड है, ऐसा कोई ऐड जो फेसबुक भी चलाता है या फिर आप ऐड को ही अपलोड कर रहे हो अपने कंटेंट में, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के बता रहा, एक ऐसी वीडियो जिसमें मैनुअली इंसर्टेड मेड्रोल ऐड है, तो वो इनएलिजिबल रहेगा, तो आप इस टाइप का नहीं करना चाहिए। अगला आ रहा है प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स। अब इसमें क्या रहा, सबसे पहले आ रहा है एंगेजमेंट बेट। अब ये क्या, आप ना क्या कर रहे हो, आप लोगों को लिंक वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो और बोलो कि भाई इस जगह पे जाओ, इस पोस्ट पे लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। तो देखो भाई, ये सही तरीका नहीं है कोई भी पेज को ग्रो करने का या फिर कोई भी अकाउंट को ग्रो करने का, तो ऐसा नहीं करना आप। अगला आ रहा है सॉलिसाइटिंग एंगेजमेंट। अब इसमें क्या, आप ना लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर पैसा दे रहे हो किस लिए, कुछ ऐसी चीज़ को खाने के लिए जो इनएडिबल है, मतलब कि जो खाई नहीं जा सकती, या फिर कोई ग्राफिक कंटेंट आप उसने शो कर रहे हो, ड्रग, तंबाकू, अल्कोहल, आप इन सब का भी उन्हें कंजम्पशन करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। अब इसमें क्या, सबसे पहले आ रहा है भाई डिबेटेड सोशल इशूज। अब इसमें क्या, सबसे पहले आ रहा भाई अगर आप कोई भी रेस, जेंडर, नेशनल ऑरिजन, आप कोई भी जात पात उम्र इन सब से रिलेटेड या फिर कोई पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड लोगों को भड़का रहे हो, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, मतलब बोल रहे हो भाई ये ऐसा ये वैसा, तो आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं करना जिससे भाई लोग भड़कें या फिर आप भड़का रहे हो, ऐसा नहीं करना। अब अगला आ रहा है भाई ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट। उसमें ऐसा आ रहा है कि आप ना लोगों को भाई कोई भी ट्रेजेडी, इमोशनल डिस, मतलब कि कोई को भी मतलब इमोशनल कर रहे हो कि देखो भाई इसकी डेथ हो गई, या फिर कोई कोई बदले बदले के बारे में बात कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई इसका बदला लेना है, इसका बदला लेना, लोगों को भड़का रहे हो, ऐसा कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। हो सकता है, पर आप जो भी बताओ ना उनको सच सच बताओ, उनको क्लियरली बताओ। अगर आप भाई ऐसे अपने मन से बतोले दे रहे हो, मतलब क्या खुद भी नहीं पता ऐसा कुछ हुआ था या फिर क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, पर आप अपने मन से कुछ भी बता रहे हो, लोग को उल्टा सीधे बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इस टाइप का कंटेंट एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। अब एग्जाम्पल बताए हुए किसी की डेथ, फिजिकल इंजरी, इलनेस, कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अगला आ रहा है ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी। इसमें बता रहा भाई किन चीज़ों को लिया जाता है, एब्यूज और क्राइम को लिया जाता है। इसमें बता रहा है कि आपको रियल या फिक्शनल, आपको पता है या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी मन से बतोले दे रहे हो, तो इन चीज़ का वो भी आपके मोनेटाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है।
क्या आ रहा है हैकिंग वगैरह थ्रेट वगैरह, आप ऐसा कोई भी लोग को सिखा रहे हो भाई जो फेसबुक रहता है और इंस्टाग्राम रहता है। बहुत सारे बच्चे लोग भी यूज़ करते थे भाई, वो नहीं चाहते कि आप ऐसा कोई कंटेंट डालो से लोग पे गलत असर पड़े और उन्हें गलत चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि कंटेंट में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगला रहा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मतलब कि आप ना भाई लोग को गुस्से में बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बोल रहे हो, फिर भाई गाली गलौज कर रहे हो, उल्टी सीधी गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला आ रहा है एक्सप्लिसिट कंटेंट, मतलब कि आपके कंटेंट में ऐसा कुछ है इंजरी विंजरी, मतलब कि आपको लग गया और आप दिखा रहे हो कि देखो भाई खून बह रहा है, अब अपने चोट को दिखा रहे हो, अपने इंजरी को दिखा रहे हो, या फिर कोई ऐसी भी बॉडीली फ्लूइड, मतलब कि मान लो अगर आप नकली खून भी दिखा रहे हो ना, तो ऐसा कंटेंट वो इसमें आ सकता है, या फिर आप कोई भी भाई मेडिकल प्रोसीजर्स दिखा रहे हो, ये सब दिखा रहे हो, तो ये सब भी आपके कंटेंट में नहीं होना चाहिए। मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको भाई ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेशन लोग को देनी है जो एक्सपर्ट के द्वारा प्रूवन हो। अगर आप अपने मन से ना आपने टेस्टिंग करी उसकी ना ज़्यादा रिसर्च करी आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हो तो लोग को हार्म वगैरह भी पहुंच सकता है। तो ये सब यहाँ पे दी हुई हैं बेसिक, यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, पार्टनर मोनेटाइजेशन और कंटेंट, यही मेन पॉलिसीज़ हैं। अब बाकी भाई इसमें यही सब था, पर एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पे पढ़ने नहीं मिली होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है भाई एस्टेब्लिश प्रेजेंस। अब ये क्या रहता है, ये इंस्टाग्राम पे होती है। तो देखो भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों मेटा के ही हैं, तो भाई दोनों जब एक ही प्लेटफॉर्म ही मान सकते हैं अपन उन्हें, जब दोनों पे सेम ही गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, जब दोनों पे सेम ही गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, तो भले इसमें आपको एक नहीं दिख रही है और इसमें भी वाली गाइडलाइंस एप्लीकेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है ना, इसमें मैंने पूरा खुद का कंटेंट डाला, दूसरा कोई भी कंटेंट नहीं डाला, मतलब मैंने इस पेज पे कोई दूसरा कंटेंट नहीं डाला। फिर भी मेरे को ये क्यों दिक्कत आ रही है, मेरे को सिर्फ दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरा जो वायलेशन है वो ये कि मेरा भी न्यू अकाउंट है। देखो अगर आपका नया नया पेज रहता है ना, तो भी आपको सेम दिक्कत आ सकती है, आपको एटलीस्ट एक दो महीने पेज पे वर्क करना है। कंटेंट रेगुलरली डालोगे ना तो ये दिक्कत ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। मेरे को तो वही वाली दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने अभी इसमें ज़्यादा कंटेंट वगैरह नहीं डाला, एक दो वीडियोस को ही मैंने अपलोड करा हुआ है। और जो मेन दिक्कत है अनऑरिजिनल कंटेंट वाली, अगर आपको दूसरे का कंटेंट अपलोड कर रहे हो ना, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। तो पहली बात तो उसका कंटेंट अपलोड करना छोड़ दो, खुद का ऑरिजिनल कंटेंट डालो। रेगुलरली डालोगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर तुरंत नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, दो तीन महीने लग सकते हैं, क्योंकि जितना भी कंटेंट आपके में ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है वो अगर ऑरिजिनल नहीं है तो आपको यह दिक्कत आती रहेगी। तो जब तक आप भाई एक आध दो महीने तक खुद का ओरिजिनल कंटेंट डालना स्टार्ट नहीं कर देते ना, तब तक फेसबुक भाई आपको इस वाली जो पॉलिसी की दिक्कत रिस्ट्रिक्शन आ रहा है ना, उससे नहीं छोड़ सकता। तो रेगुलर कंटेंट डालते रहो, खुद का कंटेंट डालोगे अपना सॉल्व हो जाएगी। तो अगला इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ना डायरेक्ट फेसबुक को अपनी प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा। तो ये पेज से नहीं होगा, आपको ना अपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाना है, आपको मेन्यू पे आना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, सिंपली इस पर क्लिक करो। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना भाई रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पे, सिंपली इस पर आना, जैसे रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है आपको, फिर डोंट इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करना। तो देखो भाई इनमें से जो फीचर है मेरे को कोई ज़्यादा सही नहीं लग रहा, तो आपको सिंपली अदर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे वो क्या लिख रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ, सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने लिखा लिख दो, और आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो। किसका करना है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना उसका स्क्रीनशॉट आपको ऐड कर देना है, सिंपली फिर सेंड पे क्लिक कर दो। जैसे इंस्टा पे आता है वैसे ही फेसबुक पे भी आ रहा है थैंक्स वाला। तो ये करने के बाद आप क्या, ये करने के बाद आपको कंटेंट अपना चेंज करना, तब जाके ही होगा। अगर मान लो आपको गलती से फेसबुक ने दी होगी ना, तो रिपोर्ट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर कब तक होगी, एटलीस्ट आपको एक दो वीक का वेट करना पड़ेगा। पर क्या सिर्फ एक दो वीक में हो जाएगा, नहीं भाई, अगर आपका अनऑरिजिनल कंटेंट है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, या फिर जितनी मैंने आपको पॉलिसी रीड करके बताई है वो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे थे तो आपको एक दो महीने का टाइम लग सकता है, पर अगर गलती से हुई है तो एक दो वीक में आपको जो प्रॉब्लम आई वो सॉल्व होने के चांसेस बनते हैं। भी आप बोलोगे कि नहीं हो रही, देखो भाई कभी कभी ऐसा भी रहता है, जैसे कि जो सेम दिक्कत है ना भाई इंस्टाग्राम पे भी आए थे कुछ टाइम पहले, लोगों को 100-100, 200-200 लगी थी वायलेशन, पर फिर भी वो एक बार में रिमूव हो गई। कभी कभी जो इंस्टाग्राम में था और फेसबुक रहता है गलती से भी दे देता है, या फिर उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर ये दिक्कत आ जाती है। तो अगर सिस्टम में गड़बड़ होगी तो अपना सॉल्व कर देगा, इससे इंस्टा ने करा था, सेम फेसबुक पे भी आई तो फेसबुक भी सही कर देगा। पर कब, किस केस में करेगा, जब गलती से दी होगी, और गलती से नहीं दी होगी तो नहीं हटेगी। पर कैसे हटेगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी आपको भाई फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। आप सभी को मेरे प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।